What's up guys, welcome back to another video of PRHD. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साबु कंपनी की तरफ से आने वाले ये साबुदाना का रिव्यू करने वाले हैं और बात करने वाले हैं इसी साबुदाना के बारे में इस वीडियो में। उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और दोस्तों अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट करें। साबुदाना के बारे में तो दोस्तों ये काफ़ी हेल्दी फूड होता है, आप इसे पेशेंट को दे सकते हैं, काफ़ी ईजिली ये डाइजेस्ट हो जाता है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसे फास्टिंग में यूज़ किया जाता है। दोस्तों इस वाले साबु की ब्रांडिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको साबु की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, साथ में यहाँ पर सच्चा साबु की भी ब्रांडिंग दी गई है। नीचे की साइड में साबुदाना लिखा हुआ है, ये FSSAI अप्रूव्ड है। यहाँ पर प्योर वेज की भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ में यहाँ पर आपको भारत सरकार की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। या पीछे की साइड में काफ़ी सारे ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, इस साइड में भी सच्चा साबु एग मार्क साबुदाना की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं। उससे पहले बात करें इसकी MRP की, तो MRP है 60 रुपीज़, ये आपको लोकल मार्केट में 60 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों आप कोई भी साबुदाना अगर परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपको बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर यहाँ पर देखने को मिल जाता है ये साबुदाना, आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के थ्रू, साथ में यहाँ पर भी फास्टिंग का इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आप इसे फास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। नीचे की साइड में और भी इस वाले ब्रांड का यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, ये सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं इस ब्रांड में, आप चाहें तो इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे की साइड में फैक्ट्री डिटेल के साथ साथ कस्टमर केयर नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी और पीओ बॉक्स नंबर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप चाहें तो इन्हें भी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इस साइड में न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्रूड फाइबर, टोटल स्टार्च, कैल्शियम, टोटल फैट, टोटल शुगर बिलो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, आप चाहें तो इन्हें भी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर MRP दिया गया है, पैकेजिंग डेट दिया गया है, लॉट नंबर दिया गया है। और दोस्तों ये पैकेजिंग से 2 ईयर्स तक अच्छा रहता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख विशेषताएं लिखे हुए हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ताजे कंद के दूध में निर्मित व्रत उपवास का फलहार में उपयुक्त, यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें भी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों ब्रांडिंग की बात करें तो सारे साइड में साबु की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर नीचे की साइड में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है काफ़ी सारे, यहाँ पर बारकोड देखने को मिल जाता है। और दोस्तों साबुदाना काफ़ी हेल्दी फूड है और ये अनाज की गिनती में नहीं आता है, इसलिए इसे फास्टिंग में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज का यही वीडियो था, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू HD चैनल। और दोस्तों अभी तक आपने जील रेनकोट वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको एक आ रहा होगा, आप इसमें क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।